छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में जो है बी फार्मेसी डी फार्मेसी जो है काउंसलिंग करना चाहते हैं, पीपीएचडी कोर्स हम जो है करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट जानकारी निकल के आ गए हैं। काफ़ी लंबे समय से आप सभी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है छत्तीसगढ़ में पीपीएचडी का बी फार्मेसी का डी फार्मेसी का काउंसलिंग हो, तो फाइनली जो है स्टार्ट हो चुका है। आज से 28 दिसंबर से जो है काउंसलिंग शुरू हो गए हैं। आप में से हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो काउंसलिंग में जो है जल्दबाजी कर देंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से मेहनत करके हर एक चीज़ों को समझकर ही आपने क्वेश्चन का आंसर ठीक किया, ठीक उसी प्रकार आपको काउंसलिंग भी अच्छे से करना है। काउंसलिंग में आपको कोई भी गलती कोई भी त्रुटि नहीं करना है। यदि आप एक बार काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक कोई भी एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसके वजह से आपका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आपको जो है सीट अलॉटमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो आपको हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ में पीपीएचडी का काउंसलिंग किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, और किस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट का यही रहता है कि वो कॉलेज सेलेक्शन ही ठीक से नहीं कर पाते, जो 10 जो कॉलेज टॉप 10 कॉलेज सेलेक्ट करना होता है वो 10 कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाते, और छत्तीसगढ़ के टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं और छत्तीसगढ़ में पीपीएचडी का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कैटेगरी वाइज कितना जाएगा और कितना मार्क्स कितने नंबर कितना रैंक लाने पर आपका जो है छत्तीसगढ़ में पीपीएचडी में सेलेक्शन होगा, और छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी डी फार्मेसी में कितना सीट है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और फीस कितना होता है, बी फार्मेसी का फीस कितना होता है, डी फार्मेसी का फीस कितना होता है, क्या आपको बी फार्मेसी करना चाहिए फिर डी फार्मेसी करना चाहिए, ए टू जेड हर एक कंप्लीट पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना ताकि एक भी जानकारी ऐसा ना हो जिसमें आपको बी फार्मेसी से रिलेटेड जानकारी पता ना हो, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी के टोटल ऑल ओवर सीटों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी की कुल टोटल जो है 4,667 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी के लिए, और 25 मई को आपका जो है एग्ज़ाम्स हुआ था और काफ़ी लंबा समय हो गया फार्मेसी का काउंसलिंग स्टार्ट होने में, तो अंत भला तो सब भला फाइनली, तो 4,667 सीटें हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ फीस के बारे में कि फ़ीस कितना होता है बी फार्मेसी का और डी फार्मेसी कॉलेज फ़ीस। तो बी फार्मेसी का एक साल का फ़ीस होता है 72,000 रुपये, 36,000 जो है पर सेमेस्टर एक साल का 72,000, तो चार साल का आपका जो है 2,88,000 रुपये हो जाएगा। वही डी फार्मेसी का एक साल का फ़ीस होता है 55,000, और एक साल का 55,000 तो दो साल का जो है आपका 1,10,000 जो है आपका होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में लगभग आपको 4,000 रुपये पर मंथ देना होगा, यानी 48 से 50,000 हॉस्टल का रहेगा। इस तरीके से फार्मेसी जो मेडिकल फील्ड होता है उसमें ज़्यादा फीस होता है हर कोर्स से ज़्यादा, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक बी टेक इंजीनियरिंग और BLLB सभी कोर्स से काफ़ी ज़्यादा फीस जो है फार्मेसी वाले स्टूडेंट का ही होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डी फार्मेसी वालों को, खासतौर पर जो डी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं डी फार्मेसी वालों को जो एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा तभी आपको जो है लाइसेंस मिल पाएगा। जी हाँ, इस समय जो है पीसीआई ने बहुत से चेंजेस कर रहे हैं, रूल और रेगुलेशन नए आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसमें जो है बी फार्मेसी में आपका जो है यदि आप डी फार्मेसी करते हैं तो आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है देना होगा, अगर आप इस एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते तो आपको मेडिकल लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। तो ये रहा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर वाले स्टूडेंट का यहाँ पर जो है पीपीएचटी में सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि हम जनरल कैटेगरी में मेल हैं तो जो है 85 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, वहीं जनरल कैटेगरी में फीमेल का 80 नंबर में, OBC मेल में 75, OBC फीमेल 70, ST मेल 65 और ST फीमेल 60, ST मेल 55 और ST फीमेल जो है 50 है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख 10 टॉप 10 कॉलेज। तो सातवें नंबर पर हमका जो है JK कॉलेज ऑफ फार्मेसी बिलासपुर में, फिर है रुंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च भिलाई, सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जो है बिलासपुर, और ये छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे कॉलेज हैं। फिर है अपोलो कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग,
श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस भिलाई, डॉक्टर सी वी रमन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कोटा बिलासपुर। फर्स्ट नंबर पर है आपका चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, श्री रावतपुर सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कुम्हारी, कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रायपुर, रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायपुर। तो ये छत्तीसगढ़ के जो है फार्मेसी के टॉप 10 कॉलेज है। तो बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, पी एच डी काउंसलिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन भी आया है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पी एच डी के काउंसलिंग के बारे में। तो 28 दिसंबर से यानी कि आज से जो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा जो 29 दिसंबर तक चलेगा। सिर्फ आपको जो है 2 दिन का समय जो है काउंसलिंग के लिए दिया जा रहा है। इस 2 दिन में ही आपको जो है काउंसलिंग करना है। डीवीसी दस्तावेज परीक्षण केंद्रों, डीवीसी दस्तावेजों का परीक्षण जो है 28 दिसंबर 2022 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। इसके साथ सीट अलॉटमेंट फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर से शाम 5 बजे तक। आवंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य 31 दिसंबर 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना आप लोगों के लिए जो है जारी हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नोटिफिकेशन में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए दिशा निर्देश निकल कर आया है। बी फार्मा, डी फार्मा, वाईएम फार्मा में काउंसलिंग के लिए आवेदन आज से। फार्मेसी कॉलेजों में जो है 0 ईयर का खतरा टला, इस बार 4 दिनों में ही निपटेगी काउंसलिंग। सीट मिलने के अगले दिन ही लेना होगा दाखिला। बी फार्मा एवं डी फार्मेसी में जो है दाखिले के लिए काउंसलिंग जो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी। इसके अनुसार 28 और 29 दिसंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। इसी तारीख से दस्तावेज परीक्षण भी होगा। 30 दिसंबर को दाखिले के लिए सीट अलॉट की जाएगी। इन सीटों पर 31 दिसंबर की सुबह शाम 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दाखिले होंगे। इस तरह सीट मिलने के अगले दिन ही छात्रों को प्रवेश लेना होगा। इसके साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ बी फार्मेसी व डी फार्मेसी के 6238 सीटें, इस बार फार्मेसी के 46 कॉलेजों के लिए काउंसलिंग होगी। यहाँ बी फार्मेसी के, बी फार्मा की बात करें तो 3497, डी फार्मेसी के जो है 2471 सीटें हैं। इस तरह से कुल टोटल जो है 6238 सीटें हैं। पिछली बार 5975 सीटें थी। बी फार्मा डी फार्मेसी के प्रवेश प्रक्रिया में करीब 22,000 छात्र शामिल हुए थे। इनके बीचों ही सीटों का आवंटन हुआ। इस तरह एम फार्मा की कुल 320 सीटों में प्रवेश किए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। इसके साथ ही डीएलएड तो 29 दिसंबर से होगी। तो बीएड और डीएलएड वाले के लिए भी काफ़ी अच्छी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। तो एक के बाद एक जो है नई नई जानकारी, नई नई अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। मैं आप सभी को अच्छे से बता दूंगा। तो अच्छे से मेहनत करना, तैयारी करना, सिलेक्शन जरूर होगा। प्लीज़ चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ध्यान करके रख लीजिए। वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।